हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो देखिए, क्लास 9th हमने अच्छे से पढ़ ली है। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा आपकी बुक का नाम है, ठीक है, जिसमें हमने 7 चैप्टर अच्छे से रीड कर लिए हैं। अब हम एक एक करके सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे, और क्वेश्चन आंसर भी ऐसे होंगे जो कि आपका पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो कितना आप लोगों ने ध्यान से चैप्टर पढ़ा है ये भी आपको पता चलेगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ लीजिएगा, जिनको टाइम नहीं है वो लोग क्वेश्चन आंसर को अच्छे से करें, ठीक है। मेरा मानना है कि पहले आप चैप्टर को पढ़ें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर आएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन देखिए, औरंगजेब के बाद राजस्थान में अराजकता फैलाने का कार्य किसने किया? तो मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, उसके बाद राजस्थान में जो है अराजकता फैलाने का कार्य किनके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर इनके बाद आते हैं मुगलों के बाद मराठे, ठीक है। तो मराठों के द्वारा जो है अराजकता फैलाने का कार्य राजस्थान में किया गया। मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया? मराठों ने पहली बार राजस्थान के किस क्षेत्र से धन इकट्ठा किया? तो 1711 ईस्वी में सबसे पहले मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन इकट्ठा किया, ठीक है। मराठों ने पहली बार राजस्थान के मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से 1711 ईस्वी में धन इकट्ठा किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप किसके काल में हुआ? सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आंतरिक हस्तक्षेप किसके काल में हुआ? तो बूंदी के बुद्ध सिंह द्वारा जब दलेल सिंह को पदच्युत किया गया था 1734 ईस्वी में, तो इनके जो है आंतरिक संघर्ष को देखते हुए मराठे जो है यहां पर एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। किसके खिलाफ मराठों ने राजस्थान के शासकों को हिंदू धर्म के नाम पर एक करने का प्रयास किया था? तो मराठों ने राजपूत शासकों को कहा कि सब एक हो जाएं। तो किसके खिलाफ उन्होंने ऐसा करने को कहा? तो जब नादिर शाह का आक्रमण होता है तो उस समय मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को कहा कि संगठित हो जाएं। किस काल में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया? किस समय में राजस्थान में मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया? तो देखिए, 1761 से लेकर 1791 के बीच में जब राजस्थान में राजपूत शासक जो है कमजोर हो गए थे, तो यहाँ पर विभिन्न जो राज्य थे तो वहां पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मराठों के विरुद्ध राजस्थान के सभी शासक पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए? मराठों के विरुद्ध राजस्थान के जो सभी शासक थे वो पहली बार किस स्थान पर एकत्रित हुए? तो होरड़ा नामक स्थान पर ये एकत्रित हुए, और होरड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा में है, ठीक है। 17 जुलाई 1734 को इन्होंने डिसाइड किया कि ये होरड़ा नामक स्थान पर जो है एकत्रित होंगे। राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया? राजपूतों ने पहली बार किस स्थान पर संगठित होकर मराठों को हराया? तो मराठों को तुंगा की लड़ाई में सबसे पहली बार हराया। तुंगा की लड़ाई कब हुई थी? 28 जुलाई 1787 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। डेट जो है वो आप याद रखना, 28 जुलाई 1787 को तुंगा की जो लड़ाई होती है, और ये किस किस के बीच में होती है? जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति महाजी सिंधिया, ठीक है। और इस स्थान पर मराठों को ये हरा देते हैं। अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा कब किया? अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा कब किया? तो 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम राजपूतों के साथ संधि कब की? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम राजपूतों के साथ संधि कब की? तो इन्होंने संधि जो है 1803 में की, ठीक है। तो 1803 ईस्वी में इन्होंने जो है, जो अंग्रेज थे, इन्होंने अपनी नीतियां जो बनाई उसके अकॉर्डिंग ही राजपूत शासकों को चलना था, ठीक है। और अपने अपने राज्यों से जो है संधि करने के लिए खुद राजी हुए थे अंग्रेज, क्योंकि मराठों से ही अपने आप को बचाना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने 1803 की संधि अंग्रेजों के साथ की। 1817 से 1818 की जो संधि हुई वह किसके बीच में हुई थी?
तो पहली संधि 1803 में हुई अंग्रेजों के साथ, उसके बाद 1817 से 1818 की संधि हुई, और यह संधि कोटा के शासक झाला जालिम सिंह और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में हुई थी। क्वेश्चन 11 देखिए, 1817 से 18 की जो संधि हुई वो सर्वप्रथम किस शासक ने की? तो किस राज्य के शासक ने सबसे पहले संधि की? करौली के हरबख्शपाल ने की। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत का शासक कौन था? राजस्थान में क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? तो यहाँ पर थे जो रियासती शासक थे राम सिंह। राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में जो क्रांति हुई 1857 की, तो उस समय रियासती शासक कौन थे? तो यहाँ जोधपुर रियासत के शासक थे तख्त सिंह। कौन थे? तख्त सिंह। राजस्थान में क्रांति के समय भरतपुर रियासत के शासक कौन थे? राजस्थान में क्रांति के समय भरतपुर रियासत के शासक कौन थे? तो यहाँ पर रियासती जो शासक थे भरतपुर में, वह थे जसवंत सिंह। अगला देखिए, राजस्थान में क्रांति के समय उदयपुर रियासत के शासक कौन थे? तो उदयपुर रियासत के शासक थे स्वरूप सिंह। राजस्थान में क्रांति के समय जयपुर रियासत के शासक कौन थे? राजस्थान में क्रांति के समय जयपुर रियासत के शासक कौन थे? तो जयपुर रियासत के शासक थे राम सिंह द्वितीय। तो बार बार बोलने पर भी आप लोगों को जो है ये आंसर याद हो रहे होंगे। वीडियो को बार बार देखिए तभी आपको ये चीजें याद हो पाएंगी, ठीक है? तो अभी तक हमने इम्पोर्टेंट जो है रियासतें उनके शासकों के नाम याद किए। कोटा रियासत के राम सिंह थे, जोधपुर रियासत के तख्त सिंह थे, भरतपुर रियासत के जसवंत सिंह थे, उदयपुर रियासत के स्वरूप सिंह थे, और जयपुर रियासत के थे राम सिंह द्वितीय। राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे? राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत जो थी उसके शासक कौन थे? तो यहाँ पर थे शासक शिव सिंह। ठीक है, तो सी से सिरोही और सी से शिव सिंह। राजस्थान में क्रांति के समय धौलपुर रियासत के शासक कौन थे? धौलपुर रियासत के जो शासक थे वह थे भगवंत सिंह। अगला देखिए क्वेश्चन 19, राजस्थान में क्रांति के समय बीकानेर रियासत के शासक कौन थे? बीकानेर जो रियासत थी वहां पर थे उस समय शासक सरदार सिंह। नेक्स्ट देखें, राजस्थान में क्रांति के समय करौली रियासत के शासक कौन थे? राजस्थान में क्रांति के समय करौली रियासत के शासक थे मदन पाल सिंह। ठीक है, कौन थे? मदन पाल सिंह थे। राजस्थान में क्रांति के समय टोंक रियासत के शासक कौन थे? टोंक रियासत के जो शासक थे 1857 की क्रांति में, तो वह थे नवाब वजीरुद्दौला। कौन थे? नवाब वजीरुद्दौला। राजस्थान में क्रांति के समय बूंदी रियासत के शासक कौन थे? तो यहाँ बूंदी रियासत में थे राम सिंह। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान में क्रांति के समय अलवर रियासत के शासक कौन थे? तो अलवर रियासत के शासक थे विनय सिंह। कौन थे? विनय सिंह। ठीक है, सिरोही रियासत के थे शिव सिंह, धौलपुर रियासत के थे भगवंत सिंह, बीकानेर रियासत के थे सरदार सिंह, करौली रियासत के थे मदन पाल, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे, बूंदी रियासत के थे राम सिंह, कोटा रियासत के कौन थे? राम सिंह, और अलवर रियासत के थे विनय सिंह। वहीं पर अगला देखिए क्वेश्चन 24, राजस्थान में क्रांति के समय जैसलमेर रियासत के शासक कौन थे? तो जैसलमेर रियासत जो थी वहां पर रणजीत सिंह थे। कौन थे? रणजीत सिंह थे। फिर देखिए, राजस्थान में क्रांति के समय झालावाड़ रियासत के शासक कौन थे? तो यहाँ पर झालावाड़ रियासत के शासक थे पृथ्वी सिंह। देखिए, मेरा उद्देश्य है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छे तरीके से रिवाइज करवाना। ठीक है, चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है और मेरे साथ साथ आप लोग यदि याद करेंगे तो टाइम रहते आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो याद हो जाएंगे और आप एग्जाम में जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। क्वेश्चन 26 देखिए, राजस्थान में क्रांति के समय प्रतापगढ़ रियासत के शासक कौन थे? तो प्रतापगढ़ के थे दलपत सिंह।
राजस्थान में क्रांति के समय बांसवाड़ा रियासत के शासक कौन थे? तो बांसवाड़ा रियासत के शासक थे लक्ष्मण सिंह। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो है हमें बहुत आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट लाने का मेरा एक यही उद्देश्य है कि आप लोगों को वो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नज़र में आ जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। और एग्जाम में चार ऑप्शन देखने की जरूरत ही ना पड़े क्वेश्चन का आंसर यदि आपको आता है। यदि आपको पता है कि बांसवाड़ा रियासत के शासक राजस्थान की क्रांति के समय कौन थे, लक्ष्मण सिंह, तो बाकी तीन जो ऑप्शन हैं वहां आप जाओगे ही नहीं। 28 देखिए, राजस्थान में क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे? राजस्थान में क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत के शासक कौन थे? तो यहाँ पर थे उदय सिंह, ठीक है। जैसलमेर रियासत के कौन थे? रणजीत सिंह। झालावाड़ रियासत में पृथ्वी सिंह। प्रतापगढ़ रियासत में दलपत सिंह। बांसवाड़ा रियासत में लक्ष्मण सिंह। और डूंगरपुर रियासत में कौन थे? उदय सिंह। अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में संधि किस रियासत के साथ की गई? तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहली जो संधि हुई वो करौली के हरबक्षपाल के द्वारा हुई, उसके बाद जो अंतिम संधि हुई वह सिरोही रियासत के साथ हुई, ठीक है। और सिरोही में उस समय कौन शासक थे? शिव सिंह। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सी से सिरोही और सी से शिव सिंह। तो यहाँ पर कोटा रियासत में राम सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह सेकंड, कोटा बूंदी के राम सिंह, ठीक है, और सिरोही में शिव सिंह। ये तो आपको याद ही रहने चाहिए। 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19वीं सदी के प्रारंभ तक राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो यहां पर 20 रियासतें थी, जिसमें 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम द्वारा शासित, ठीक है। कितनी रियासतें थी? 20 रियासतें थी। अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकार च्युत करने पर जनता द्वारा किसकी हत्या की गई? अंग्रेजों द्वारा जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकार च्युत करने पर जनता द्वारा किसकी हत्या की गई? तो यहाँ पर कप्तान ब्लैक की हत्या की गई, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कप्तान ब्लैक की हत्या जो है वो जनता ने कर दी थी जब जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकार च्युत कर दिया गया था। राजस्थान में क्रांति के समय कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? राजस्थान में क्रांति के समय कोटा का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो पीए रखा गया था इन लोगों के द्वारा, तो वह कौन था? तो कोटा में था मेजर बर्टन, ठीक है। कोटा और बर्टन, ठीक है, दोनों में टा आ रहा है, तो ऐसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। राजस्थान में क्रांति के समय जोधपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जोधपुर रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था, पीए जो था, वह कौन था? तो वह था मेक मेशन, ठीक है। बच्चों को याद रहते हैं लेकिन फिर भी एग्जाम में क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं जब चार ऑप्शन देखते हैं। कोटा का तो आप ध्यान में रखेंगे, कोटा में टा है, तो मेजर बर्टन, बर्टन में भी टा है, ठीक है, दोनों में ही टा है, ठीक है। जोधपुर रियासत के कौन है? मेक मेशन। फिर देखिए, राजस्थान में क्रांति के समय भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो भरतपुर का था मोरिसन, ठीक है, भरतपुर मोरिसन, भरतपुर मोरिसन। राजस्थान में क्रांति के समय जयपुर का जो पीए था वह कौन था? तो यहां पर था ईडन। जयपुर में कौन था? ईडन, ठीक है। राजस्थान में क्रांति के समय उदयपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उदयपुर में था कर्नल सावर्स, ठीक है, कौन था? कर्नल सावर्स था। राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो देखिए, सबसे अंत में जो है, जो सिरोही रियासत थी उसने संधि की थी 1823 ईस्वी में, ठीक है। यहां पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जो था वह था जे डी हॉल, कौन था? जे डी हॉल। कोटा में कौन था? मेजर बर्टन। जोधपुर में मेक मेसन। जयपुर में ईडन। भरतपुर में मोरिसन। उदयपुर में सावर्स। और सिरोही में जे डी हॉल। क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेजी छावनियां थी? क्रांति के समय राजस्थान में कितनी अंग्रेजी छावनियां थी? तो यहां पर 6 छावनियां थी, बस इतना ही होता है।
तो आज हम यहीं तक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमने 37 क्वेश्चन किए हैं, ये 37 आप लोगों को याद होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 38 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।